हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज तो हमारी इतनी अमेजिंग प्लांट मॉर्फो की क्लास को नजर लग गई। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, हाय सनातनी, हाय वीजा, गुड इवनिंग। चलो प्रोटोजोआ से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। कम ऑन, यस, रेडी स्टेडी, कैन वी स्टार्ट एवरीबडी? यस, यहाँ तो दबा के ठंड पड़ रही है। हाय गायत्री मालविया, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हाँ, शुरू में आज आ गई थी योगेश, पता नहीं कैसे। एनीवे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। गुड इवनिंग चुनू मुनू गैंगस्टर्स, गुड इवनिंग। चलिए, सब लोग आ गए हैं क्लास में? थैंक्स तेजू, डोंट आई लुक एनर्जेटिक एवरी टाइम? यस, गुड इवनिंग। चलो 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 चलो, तो यार आप किसी भी बुक पे प्रोटोजोआ नहीं देखोगे, सबसे पहले तो ये सुन लो, राइट? किसी टीचर ने भी शायद नहीं कराया होगा, बहुत कम लोग आपको प्रोटोजोआ स्पेसिफिकली अलग से करवाएंगे। यस, ठंड है ना? हाँ, तो यार अब सुन लो मेरी बात। हाँ, सब लोग क्यों प्रोटोजोआ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का प्रोटोजोआ अलग दिया है, एनिमल किंगडम का प्रोटोजोआ अलग दिया है, तो यार प्रोटोजोआ से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इसको अवॉइड ना किया जाए तो ही अच्छा है। समझ आ गया? डन। अब जितनी चीजें मैं प्रोटोजोआ में बता रही हूँ, पिन ड्रॉप करके उसको सबको कॉपी करना शुरू कर दो, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। हैव नो डाउट्स अबाउट इट दैट प्रोटोजोआ इज इंपॉर्टेंट। प्रोटोजोआ एक बार खत्म हो जाएगा फिर पॉलीफेरा कराऊंगी। Done, don't worry, don't worry. तो सबसे पहले प्रोटोजोन्स को पढ़ने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? Anton von Leeuwenhoek. So the name of the scientist who studied protozoans for the first time was Anton von Leeuwenhoek. The term protozoa was coined by Goldfuss. Important नहीं है. Which deals with protozoa के साथ जो deal करता है, that is protozoology. Important क्या है यहाँ पे? Examples. So what are the three examples of protozoa प्राप्ति? Paramecium, जिसके पास cilia है, is an example of protozoa. Can you all see it? Can you all see that protozoa? Second is amoeba and third is euglena. Thanks Teju, everyone pay attention please. Can you all see the three examples? चलिए, अब इन तीनों को, इनसे कैसे diseases होती है, क्या क्या होता है, डिटेल में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ होते हैं यूनिसेलुलर और इनके पास होता है न्यूक्लियस। सो इट इज नॉट प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया नहीं है, ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। इनके पास प्रोटोप्लाज्म होता है। अंडरस्टूड? जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जिंदा रहते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये अपने बाहर एक सिस्ट वॉल बना लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन। सम ऑफ देम आल्सो अकर एज पैरासाइट्स इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स। है हमें ऐसे मिस्टर इंडिया मूवी में। अच्छा, लोकोमोटरी ऑर्गन्स कि इनके पास, या तो ये एमसीक्यू है लास्ट लाइन, या तो इनके पास सूडोपोडिया होगा, या इनके पास सीलिया होगा, या इनके पास फ्लैजेला होगा। राइट एवरीबडी, इज इट क्लियर? डन। प्लास्मोडियम भी इसी का एग्जांपल है, नवांश, जो मलेरिया कॉज करता है, प्लास्मोडियम, आई विल डू दैट, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। चलिए, सो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का हमेशा काम क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन। न्यूट्रिशन या तो अपना खाना खुद बनाएंगे, ऑटोट्रोफिक या डेड डिकेइंग खाना खाएंगे, सैप्रोफाइटिक। अगर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स खा लेंगे, सैप्रोजोइक। इसके एग्जाम्पल्स रट्टे मारो। अब इसके एग्जाम्पल्स में मैं आऊंगी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज रैंडम एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आएंगे। प्लास्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोअन्स आर डिजीज कॉजिंग इन ह्यूमंस। तो प्लास्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, इट इज अ प्रोटोजोआ। मोनोसिस्टिस प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, युग्लिना प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनास प्रोटोजोआ, ट्राइपेंसोमा गैम्बियोनिस फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ। ट्राइपेंसोमा कहां पे क्वेश्चन आता है? क्लेमाइडोमोनास कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ज्योतिका, योगेश, प्लीज राइट डाउन व्हाट क्वेश्चन कम ऑन क्लेमाइडोमोनास कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, व्हाई एम आई डूइंग इट हियर इज लिशमेनिया दोनों हमारे ट्राइपेंसोमा गैमिनीज ह्यूमन हेल्थ डिजीज में करते हैं, क्लेमाइडोमोनास प्लांट किंगडम में करते हैं। मैंने कहा सब कुछ साथ में, जिनके क्वेश्चन आते हैं एक साथ करवा देती हूँ, ताकि एक जगह बच्चों के नोट्स भी बन जाएंगे। नोट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। लिशमेनिया डोनोवानी, डोनोवन बॉडीज, राइट, एंड ट्राइपेंसोमा गैमिनीज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब जो जो एमसीक्यू में आएगा मैंने करवा दिया एक जगह पे। डन। इसका प्लीज क्लिक फोटोज या मेक नोट्स। अब जो मैं करवा रही हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए,
सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एवरीवन, कम ऑन, लेट अस मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स पे, जिसके पास भी सूडोपोडिया है लोकोमोशन के लिए, फीट लाइक एक्सटेंशन, जिसके पास भी सूडोपोडिया है, दैट इज अमीबॉइड. इज दैट क्लियर एवरीबडी? अगर ये मरीन है, इनके पास सिलिका शेल होता है. अमीबा इतनी डिजीज नहीं कॉज करता, पर देयर इज समथिंग जिसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. नवांश क्या कॉज करता है? वो अमीबिक लिवर एब्सेस या अमीबियासिस, राइट? सो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका व्हिच कॉजेस अ डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. सो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेस अमीबियासिस, अमीबिक लिवर डिसेंट्री, सबको पता है. डन. विच इज, अगर कभी आया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एबीसीडी ऑप्शन क्या है? पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, बैक्टीरिया है. What is entamoeba? Entamoeba is a protozoa. कोई भूलेगा तो नहीं? I hope you'll not forget it, everyone. You remember this? Entamoeba is a protozoa. Should we move forward? Done, done. Everyone? No doubts? Malviya ji, chalo, let's move forward. Let's come to flagellated protozoans. The ones which have flagella are called as flagellated protozoans. There is something which is called as trypanosoma. The full form is Trypanosoma gambonis. It causes African sleeping sickness. It is a flagellated protozoan. So, two questions aa sakte hain. अगर क्वेश्चन आएगा Trypanosoma gambonis क्या है, स्पोरोजोअन है, सीलिएटेड प्रोटोजोअन है, फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोअन है या अमीबॉइड है, तो आंसर क्या लिखोगे? इट इज अ फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोअन. ये दो या तीन बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है. एंड Trypanosoma gambonis क्या कॉज करता है? इट कॉजेस एफ्रिकन स्लीपिंग सिकनेस. एनी डाउट्स? डन. अब जिनके पास सीलिया है, दैट इज रेफर टू अ सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स. बॉडी के ऑल ओवर सीलिया है. Cilia is important for MCQ locomotion. इनके माउथ में जगह होती है. Can anybody name the space of the mouth? Anybody? I'll be very, very happy. Come on. What is the mouth of Paramecium? Oh my God, it is written here. It is called the gullet. तो ये ऐसे ऐसे cilia को move करके खाना अपने gullet के अंदर डालते हैं. Very nice, Manish. Very good, Shweta Jadhav. So what are the two functions of cilia, Shweta? Gayatri, what are the two functions of cilia? Anybody? Cilia has got two functions. One is obviously locomotion and the other is nutrition. They will move the cilia like this and they will add the food in the mouth. So that's locomotion and nutrition. Example is Paramecium. Is that clear? Cilia wala Paramecium. Sporozoans pe bahut zyada baar MCQ aaye hain. ये सबसे ज्यादा इंफेक्शियस होते हैं. ये स्पोर की तरह इनकी स्टेज होती है. फॉर एग्जाम्पल प्लास्मोडियम विच कॉजेस मलेरिया. सो व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स? यू हैव अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यू हैव फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोअन्स Trypanosoma gambonis, यू हैव अ सीलिएटेड प्रोटोजोअन Paramecium, एंड यू हैव अ स्पोरोजोअन, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया कॉजिंग प्लास्मोडियम. एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? Female anopheles is the vector, the carrier, right? Now let us come to Amoeba proteus. Iska pura naam hota hai Amoeba proteus. Russian scientist the Russelvin Rosenhoff. Unhone isko discover kiya tha. Fresh water mein paya jata hai, right? Now iske paas pseudopodia hota hai movement ke liye, par iska jo pseudopodia hota hai bahut mota mota hota hai. Dekho kaise pair ki tarah mota mota hai. क्योंकि सूडोपोडिया ऐसा मोटा मोटा है, इसका नाम पड़ जाता है लोबोपोडिया, राइट? लार्ज होते हैं लोबोपोडिया. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होता है. साइटोप्लाज्म जो होता है वो बाहर वाला साइटोप्लाज्म, ये बाहर बाहर वाला कहलाता है एक्टोप्लाज्म, और ये जो अंदर वाला होता है ये कहलाता है एंडोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म दो वाला होता है, बाहर का कहलाता है एक्टोप्लाज्म, राइट? और अंदर का होता है एंडोप्लाज्म. इतने लार्ज ही होते हैं फॉर मूवमेंट, राइट? अब यहां पर दो चार चीजों पे पहले क्वेश्चन आते थे, बट आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग टू चांस, तो मैंने कहा करवा देते हैं. इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बहुत थिन होती है, डेलिकेट होती है, सेल वॉल नहीं होती. इतनी पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेम्मा कहते हैं.
एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, इजीली दिखाई देता है, फ्लैटेंड होता है, कई बार बायकॉनकेव होता है। ये खाना खाते हैं विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस, पूरे के पूरे खाने को इनगल्फ कर लेंगे, उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है थ्रू द मेम्ब्रेन विच इज रेफर टू एज द डिफ्यूजन। कोई डाउट, मेम्ब्रेन से ही डिफ्यूजन करते हैं। फूड वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, प्लाज्मा लेम्मा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सूडोपोडिया मोटे होते हैं जिनको लोबोपोडिया कहते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। एनी डाउट्स? दिस इज इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चंस आए हैं, नाउ पे अटेंशन। यस यस दे डू कम अंडर प्रोटिस्टा, राइट? नाउ पे अटेंशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। Now, when it is favorable condition, right, Shweta? जब favorable condition है, कोई पंगा नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ये करेंगे दो दो सेल में डिवाइड। Is that clear? Which is referred to as what is the division into two daughter cells called? Can anybody tell me? Jyotika, what is the division into two daughter cells called? Anybody? Komal, you tell me. Shweta, you tell me. एक सेल से दो बनना, what? Binary fission. Very well done, Jyotika. So एक सेल से दो हो जाएंगे, कब होंगे एक सेल से दो? श्वेता, when will that एक सेल से दो happen? During favorable condition. You have to, yes, very good. जब condition होगी unfavorable, right? तो this is important. जब condition होगी unfavorable, बाहर हो सकता है, temperature बहुत high है, temperature बहुत low है, food की availability नहीं है, whatever be the reason, if the condition outside is unfavorable. So when the condition outside is unfavorable, इनके बाहर सबसे पहले एक cyst wall बन जाती है, it's a protective covering which is outside. इस protective covering को cyst wall कहते हैं during unfavorable condition. और cyst wall के अंदर ही एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह होते रहते हैं. And then when the favorable condition comes, the cyst is going to get broken. This is the cyst wall, right? This is during unfavorable, and then all of them are going to come out. This is referred to as multiple fission. Can anybody name another protozoa for me which does multiple fission? So this cyst wall helps in protection and survival. Can anybody name anything else which causes multiple fission, please? Multiple fission. Any other protozoa? Come on. Panda, Shweta, Amir, Jyotika, Komal, Navansh, Sanatani, Shreya. Are you there or Gayab? Exactly. No, Mani. Plasmodium, malarial parasite. कितने सारे आरबीसी फटते हैं? Plasmodium. So very, very good, Navansh. No Sanatani, no Manit. Very good, Garima. It is Plasmodium, sweetie Jyotika. Plasmodium. No. Plasmodium. Is that clear? Right? Now let's come to Paramecium. Chaliye. Let's come to Paramecium. Done? जो एमसीक्यू में ऑप्शन आएगा वो प्लास्मोडियम ही आएगा, इसमें हैव नो डाउट्स अबाउट। पैरामीशियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामीशियम, फ्रेश वाटर होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेश वाटर, डिचेस, स्ट्रीम्स, रिवर्स, स्टैग्नेंट वाटर वगैरह, फ्रेश वाटर, राइट? इसके पास सीलिया होता है, पतला, छोटा, ऑल ओवर द बॉडी, ओर लाइक मूवमेंट, राइट? फूड कैप्चर भी यही करवाता है, पूरे के पूरे खाने को इनगल्फ कर लेते हैं, राइट? इसीलिए मैं प्रोटोजोआ करवा रही हूँ, इसमें से छुप छुप के क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स द रीजन व्हाई आई एम डूइंग इट, अदरवाइज व्हाट्स द होल पॉइंट, क्यों करवाऊंगी मैं ये, राइट? इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं, क्या आग लगी है, मैं सीधा पॉलीफेरा करवाती, अगली साइड तो पॉलीफेरा की है, राइट? इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरे पूरे खाने को एक साथ इंगल्फ कर लेता है होलोजोई। अच्छा गाइस, सैटरडे संडे वेदांतों की दो दिन की छुट्टी है, सब लोगों ने संडे मंडे सब लोगों ने सैटरडे की छुट्टी ले ली है, और सब लोग आपको पता ही है कि चार चार पांच पांच दिन छुट्टी लेके कहीं घूमने निकल गए हैं, पर मैं संडे को आपके साथ स्टडी विद मी कर रही हूँ, उस स्टडी विद मी में एक्स्ट्रा टॉपिक्स वगैरह करवाऊंगी मैं, यस एग्जैक्टली, क्लेमाइडोमोनास है, बट
the one which causes infection, Sanathani, the one which is the most important one, is Plasmodium. ठीक है, तो संडे को मैं आपका स्टडी विद भी लूंगी 3 घंटे, एंड मंडे 2 अक्टूबर को भी आपकी एक क्लास लूंगी. यस आई नो, श्राद्ध तो आज से शुरू है सनातनी. चले चले आइए. सो पूरे पूरे खाने को एक साथ डाइजेस्ट कर देता है इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर होलोजोइक. अच्छा, अब क्या आपको दिख रहा है? इस पे क्वेश्चन आते हैं. ये आपको दिख रहा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है, राइट? हाँ, ऑब्वियसली तिथि के हिसाब से मानते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो. पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, यस, कैन यू सी दैट? सो आइडियली ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पता है कैसे होना चाहिए? तो जैसे ऐसा 1 से 2, इज दैट क्लियर? राइट, और लॉन्जिट्यूडिनल होता है ऐसा, राइट? ये बीच से टूटता है. कहां से टूटता है? बीच से. ऐसा होता है ना, मानो ऐसे टूटेगा ट्रांसवर्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स अ मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यू क्वेश्चन. ठीक है, डिफ्यूजन करता है, ये बहुत बार आया, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, राइट? इट डज. एंड एक देखो, इसके पास ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सुन लो. इसके पास 2 न्यूक्लिय होते हैं, मेजर माइनर. तो जो माइनर होता है ना, वो कई बार ये एक्सचेंज करता है, विच इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो दैट इज एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समटाइम्स इट डज थ्रू कॉन्जुगेशन, राइट? माइक्रो मैक्रो 2 न्यूक्लिय होते हैं, इट ऑल्सो डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पास पास चिपक जाते हैं और अपने न्यूक्लियाई को एक्सचेंज करते हैं. कौन से न्यूक्लियाई को एक्सचेंज करते हैं, ज्योतिका बताइए, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सो ये कौन सा बाइनरी फिशन करते हैं, लॉन्जिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन करते हैं. ऑक्सीजन वगैरह, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये अपने मेम्ब्रेन से थ्रू डिफ्यूजन देते हैं. और कॉन्जुगेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, माइक्रो न्यूक्लियस, ये देखो माइक्रो मैक्रो 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं. तो ये जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, इसका एक्सचेंज करते हैं. ये ओरल ग्रूव होता है, सीलिया यहां से खाना इस गलेट के अंदर भेजते हैं. इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, इनके पास एक स्टिफ प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है. क्या नाम होता है उस कवरिंग का, बताओ? दे हैव अ स्टिफ प्रोटीनेशियस कवरिंग. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टिफ प्रोटीनेशियस कवरिंग? इट्स कॉल्ड द पेलिकल. एटलीस्ट 5 to 6 times PYQ क्वेश्चन, राइट? इट्स कॉल्ड द पेलिकल. 4 या 5 बार PYQ क्वेश्चन आ चुका है. इनके पास एक बहुत स्टिफ प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है, जिसका नाम होता है पेलिकल. इनके पास ये जो हेयर लाइक सीलिया होता है, कैन यू टेल मी फ्रॉम विच सेल इज द सीलिया अराइजिंग? एनीबडी, From which cell? It's in both, Jyotika. From which cell is the cilia arising? Trichocyst. Right? Any doubts? So they have a membranous covering which is protecting them. It is called the pellicle. Cilia होता है. इनका mouth की जो opening होती है, जहाँ से खाना अंदर जाएगा, उसे कहते हैं peristome, oral groove. इनके पास cytostome और cytopharynx होता है. इनके पास contractile vacuole होता है, food vacuole होता है और nucleus होता है. इनके mouth के parts के नाम याद कर लो. What are the 3 parts of the mouth? ट्राइकोसिस्ट इज लाइक अ हेयर फॉलिकल पांडा. हेयर तो है नहीं इनके पास, इनके पास तो सीलिया है. सो ट्राइकोसिस्ट इज लाइक अ हेयर फॉलिकल. ओके, सो हेयर का जो बेस होता है वो ट्राइको. एंड ये देखो, दे हैव 3 पार्ट्स ऑफ द माउथ. पेरिस्टोम का नाम है ओरल ग्रूव, प्लीज इसे याद करिए.
Then the mouth is called as cytostome and finally it goes into the cytopharynx. ये देखो exosmosis हो रहा है. Can you see that? और contractile vacuole के बाहर ऐसे पानी को देने के लिए spikes होते हैं, radial canals होते हैं. देखो just in case कभी diagram आ गया कि भैया contractile vacuole आपको बनाकर देखना पड़ा तो आपको पता तो होना चाहिए label किया है ये क्या है. तो अगर एक ऐसा गोल सा चीज होगा जिसके बाहर ऐसे लाइनें बनी है तो आप उसको क्या मार्क कर दोगे? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. प्लीज इस बात को भूलो मत कि 2020 ऑनवर्ड्स वो पेपर को बहुत सिंप्लीफाई करने लग गए हैं. तो कई चीजें जो आप छोड़ के जा रहे हो बड़ा सिंपल है, कोई कौन पूछेगा, वही एनटीए आपसे एग्जाम में पूछ लेगा. कोई डाउट गाइज? इफ यू लाइकिंग द सेशन प्लीज इंश्योर दैट यू लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग. डन. चले पॉलीफेरा स्टार्ट करें. कैन वी स्टार्ट पॉलीफेरा नाउ? No doubt. Perfecto. चलो मैं तो 10th में फ्लावर. गुड वन, सो स्वीट ऑफ यू. चलो नवाज, लेट्स स्टार्ट. Done? Any doubts till now? Animal kingdom के plant kingdom करें? Characteristics of sponges. चलिए. Okay. What a beautiful diagram. How many of you have ever done scuba diving? How many of you have gone underground, seen something like this? Very difficult to, I think, go and marry. I've done scuba diving, but I've not been able to see anything except fishes. It's very overwhelming, okay, to go initially. But dar lagta hai, bahut bhar. Thanks, Komal, thanks. Bahut bhar dalte hai, aapko weights pehnata hai, tabhi aap underground ja sakte ho. और यार उसमें से सांस लेना ऑक्सीजन सिलेंडर में से और बबल्स छोड़ना, लाइक आई एम एक्सीलेंट स्विमर. आई कैन स्विम, आई हैव बीन स्विमिंग सिंस आई वाज द एज ऑफ 4 or 5. आई लव स्विमिंग, दैट्स अ स्पोर्ट दैट आई टोटली एंजॉय. लेट मी टेल यू, इट इज सो डिफिकल्ट, इट्स सो सो डिफिकल्ट टू डू डाइविंग. आप हैट्स ऑफ टू डीप सी डाइवर्स एंड ऑल, बिकॉज़ टू गो डाउन देन व्हेन यू ब्रीद इन द ऑक्सीजन सिलेंडर देन यू लीव इट and especially in water, underwater current, to go deep, saans nahi aata, it's like the reflex actions work. It's very dangerous. It's very, like, it's very overwhelming. I'm a great swimmer. First, they make you practice in the swimming pool, so I'm anyways a good swimmer. So they were very happy. They were like, tum to kar loge aaram se bhai, jab paani mein leke gaye, mujhe laga bhai tumne, and it was very expensive, like 25-30,000 rupees for me to do it. It was a certificate course kinds. Maine kaha, bhai tu paise rakh, mujhe chhod, aaj main nahi bachungi. Yes, exactly. Because you know the pressure, more than that, you know it is, मतलब you have to be a bodybuilder sorts, okay? तो वो swimming वो जो पहनाते हैं costume, कि आपको कुछ bite ना कर ले, कुछ sting ना कर ले, वो काला सा costume दिखने में हल्का फुल्का लगता है, it's a very heavy costume, it is not a हल्का फुल्का, वो पहन कर, और then on top of that they put 10-15 kgs on you, 5-5 किलो एक एक हाथ पे डाल देते, पैर पे डाल देते, पीठ पे वजन डाल देते, ऊपर से 6-7 किलो का आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, देन टू डू दैट, दैट 20 किलो लेके पानी में जाना, टू सी दिस इज नॉट इजी एट ऑल. यस, ओ माय गॉड, आरुषि गेट इन टच विद योर टेलीग्राम. आरुषि, लेट मी गिव यू एंटी माइग्रेन टैबलेट्स. राइट, सो लेट्स कम टू स्पॉन्जेस. ट्राई मे बी लाइक आई टेक अ वैसोग्रेन. राइट, सो दीज आर स्पॉन्जेस, दे आर फाउंड अंडर वॉटर. And they are exclusively marine. They are not found in fresh water. Is it clear? So, porifera show, kal humne padha tha, cellular level of organization. That means, itke paas cells hote, tissue nahi hote. Point number one.
जो आपके एमसीक्यू में आएंगे, सेल सिर्फ सेल्स है, इट्स एन एग्रीगेट ऑफ सेल्स, ये दो लेयर्स का बना है. डिड वी डू दैट यस्टरडे हुडा, एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, देयर इज नो मेसोडर्म, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. डिड वी डू द वर्ड एसिमेट्रिकल, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है. राइट एवरीबॉडी, एंड दे डू नॉट हैव अ सीलोम. स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, इज कॉल्ड एज पैरा जूलॉजी. That reminds me, let me see who's the first person to answer. What is the study of pollen grains called? What is the study of pollen grains called? Let me see who's the first one to answer. What is the study of pollen grains called? Please answer. Paleontology is the study of fossils, my dear Garima. Panda, I will do your pitai. Very good, Jyotika. I am super duper proud of you, Kirti and Jyotika. Manit, you are right, but the spelling is wrong. It's called a spelinology. What is the study of birds called? What is the study of birds called? Gunti, answer please. What is the study of birds called? Good evening, Prachi. Don't be late for my class. Ornithology. What is the study of snakes called? Snakes. Come on, fast. What is the study of snakes called? Snakes. I'm asking you PYQs. Snakes. Very good, Jyotika, if you're not seeing it from anywhere. Very good, Panda. Please don't do it. You'll get blocked in the class. It's called as herpetology. It's called as herpetology. Very, very, very good. Very good. Herpetology, not ophiology. Herpetology. Is that clear? What is the study of fossilized plants called? Fossilized plants. Specific question. Please answer. Jyotika, don't answer. Let somebody else answer. What is the study of fossilized plants called? Fossilized plants. Paleobotany. Paleobotany. Question जब आएगा तो पहला option paleontology लिखा होगा. जितने बच्चे नालायक हैं उतने बच्चे सब paleontology mark करके आ जाएंगे. It is called as paleobotany. तो प्लांट्स फॉसिल हो जाते हैं, मिलते हैं हमें बहुत सारे प्लांट्स फॉसिलाइज हो सकते हैं. व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिलाइज्ड एनिमल्स कॉल्ड? पेलियोजूलॉजी. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस कॉल्ड? पैराजूलॉजी. 5 to 6 टाइम्स एमसीक्यू. ये हमेशा ये चलता नहीं है, ये हमेशा बेस पे लगा होता है, सेडेंटरी होता है. एक भी हो सकता है, कॉलोनी भी बना सकता है, फ्रेश वाटर में नहीं होता है, सिर्फ मरीन वाटर में ही पाया जाता है. कोई डाउट? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्जेस? लेट्स डू दैट इन डिटेल. तब सबसे पहले इनके पास एक बॉडी की वॉल होती है. ये जो बॉडी की वॉल होती है इसमें छोटे छोटे ये छेद होते हैं जहां से पानी अंदर आता है, जहां से पानी इनके अंदर आते हैं. देखो ये फिल्टर फीडर है, मतलब जो पानी इनके अंदर आएगा उस पानी में जो भी खाना होगा ये उसको छान लेंगे. दे आर फिल्टर फीडर्स. इज दैट क्लियर? ये फिल्टर फीडर है, ठीक है. तो यहां इनमें छोटे छोटे शरीर में छेद होते हैं, इन छेद से पानी अंदर आ रहा है. तो जब पानी अंदर आता है वो छोटे छेदों से आता है, उन छोटे छेदों का नाम है ऑस्टिया. अब पानी अंदर आ गया, इधर एक जाली लगी होती है, जाली जैसे चाय को छानने वाली जाली हमारे पास होती है, तो वहां एक जाली लगी होती है. राइट, इज दैट क्लियर? उस जाली की जगह को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम. क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम. तो जब पानी ऊपर जाता है ऑस्क्यूलम की जाली में खाना फंस जाता है, फूड, और फिर यह फूड को खा लेते हैं. इनके सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम इनके सारे सेल्स आराम से डिटेल में और इनकी क्लासिफिकेशन करने वाले हैं. अगर इसका क्वेश्चन आएगा या तो सेल्स पे आएगा या ऑस्टिया पे आएगा या इनकी क्लासिफिकेशन पे आएगा. तो बॉडी वॉल में पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं. बॉडी वॉल में जो बाहर की लेयर ऑफ सेल होती है उसको पिनाकोसाइट कहते हैं.
पिनाकोसाइट आपके बाहर की लेयर होती है, बाहर, ये पिनाकोसाइट है, ब्लू कलर से जो मैंने मार्क किया है वो आपका पिनाकोसाइट है, ठीक है। पिनाको का मतलब होता है कवर, साइट का मतलब सेल। अब जो अंदर के सेल है ना, ये अंदर के सेल, इनमें फ्लैजेला लगा है, ये कॉलर शेप सेल है, कॉलर टाइप के सेल है और इनमें फ्लैजेला लगा है, राइट। ये फ्लैजेला खाने को ट्रैप करता है, अंदर के सेल्स में ऐसे फ्लैजेला लगा है, बाहर तो प्लेन सेल है, फ्लैट। तो ये बाहर के फ्लैट सेल्स का नाम क्या है, जो मैं ए बोल रही हूं, ए क्या है बताइए चैट सेक्शन में। और जो ये बी है, जो बी सेल्स है जिनमें ऐसे फ्लैजेला लगा है, वो क्या है। सो व्हाट इज ए एंड बी, प्लीज टेल मी। ए इज पिनाकोसाइट्स, बी इज क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? ए इज पिनाकोसाइट्स, बी इज क्वानोसाइट्स, इज दैट क्लियर? तो अंदर जो ये क्वानोसाइट है, जब अंदर पानी आएगा तो द क्वानोसाइट विल डू समथिंग लाइक दिस, क्वानोसाइट ऐसे करेगा, तो ऐसे करके वो खाने को क्या कर लेगा, ट्रैप, खाने को क्या कर लेगा, ट्रैप। और अंदर की कैविटी को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द कैविटी कॉल्ड, आरुषि टुवर्ड्स द इनसाइड, द कैविटी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। व्हाट इज द कैविटी कॉल्ड, द कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। अब इनके पास दो ही लेयर है, डिप्लोब्लास्टिक है, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है, बीच में मीसोडर्म तो है नहीं, राइट। इट इज अ टू लेयर थिंग, इट्स आउटर लेयर एंड इनर लेयर, देयर इज एब्सोल्युटली नो मीसोडर्म इन बिटवीन। तो क्योंकि बीच में मीसोडर्म नहीं है, सिर्फ दो लेयर्स हैं, तो जो बीच की चिपकाई हुई चीज है उसको मीसोहाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोहाइल। इज दैट क्लियर? फाइल नहीं कहते हैं, फाइल गलत है तेजू, मीसोहाइल। मीसोहाइल कम से कम तीन या चार बार का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? चले आगे। बिल्कुल सही बोला नवांश ने, सस्ता ग्लू इज इक्वल टू मीसोहाइल। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप लोगों ने आटे का ग्लू बनाया है घर में? आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, बट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई हैड टू स्टिक सम पेपर और समथिंग ऑन द वॉल, आई टोटली फॉरगॉट, राइट, एंड देयर वाज नो ग्लू। सो आटे को गर्म करके देन वी स्टक टू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दैट आटे का ग्लू। I don't remember ever doing it afterwards. I don't remember anybody else ever doing it. I must have been like 4 or 5 years old. Lay! That's the word. Thank you, Navansh. That is the word. My bachpan ki yaaddaash. So we make it with atta and pani only, I think. It's like a very, like a halwa, but you don't put ghee inside it and you put atta and water and you kind of give it a boil. Yes, and then I was making something cardboard का कुछ बनाना था, some project कहीं कुछ चिपकाना था कहीं पे, nothing was happening, and I think my dad made that for me. I forgot, दुकानें बंद हो गई थी, glue fevicol चाहिए था, कुछ तो cardboard चिपका के मैं दीवार पे चिपका कर कुछ project बना रही थी उसका. Yes, I like halwa. I like halwa. I'm very choosy about halwa. I love halwa which my mama makes. She makes like the best suji and aatte ka halwa. Yeah, so I'm very choosy. I like halwa. I don't have a sweet tooth, so I don't usually like eating sweet stuff. But yeah, mama's halwa is like my weakness, to be honest with you. Okay, let's come to the characteristics of sponges. Bahut amazing slides banayi hai. Yes, books par, yes, something like that, Panda. Yes. So, characteristics of sponges. Canal system. Characteristic feature of sponge kya hai? Beech mein ek canal hoga. Right, ek beech mein ek aapka canal hoga. Correct, canal system. Yahi se, dekho, canal system kya hai? Yahan se pani gaya, ऊपर से पानी निकला, तो वो एक कनाल के थ्रू बह रहा है पानी, और यहाँ पे कौन लगा हुआ है, ये क्वानोसाइट, क्वानोसाइट सारा खाना ट्रैप कर लेंगे। आपको स्टार स्टूल भी दिख रहे होंगे, मैं सब कुछ कराऊंगी डिटेल में, 15 मिनट रुक जाओ बस। तो ये पानी जहां से जा रहा है इसको ऑस्टिया कहते हैं, जहां से बाहर आ रहा है उसको ऑस्क्यूलम कहते हैं, यहां से जिससे जा रहा है उसको ऑस्टिया कहते हैं, बेसिक पता है सबको, राइट। सो कनाल सिस्टम जो है वो स्पॉन्जेस में पाया जाता है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस, राइट। फ्लैजेला जो है बीट करता रहता है, क्वानोसाइट बीट करता रहता है, तो वाटर करंट को क्वानोसाइट क्या करेगा, इसे ऊपर भेजता रहेगा और उसमें से जो ट्रैप करना होगा ट्रैप कर लेगा, राइट। तो ये पानी को फिक्स डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भेजता रहेगा, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। और इस करंट की वजह से ही देखो, जो पानी ऊपर को भेज रहा है, ऐसे भेज रहा है पानी ऊपर भेज रहा है, जाओ ऊपर जाओ जाओ जाओ, वो करंट प्रोड्यूस होगा और थोड़ा बहुत खाना को ट्रैप कर लेगा ऊपर। इसके अलावा जाली भी लगी होती है,
कनाल सिस्टम, ये जो पानी अंदर जा रहा है यही ऑक्सीजन लेके जाएगा, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन, ये जो पानी अंदर जा रहा है यही फूड लेके जाएगा, जो पानी बाहर निकल के आ रहा है यही वेस्ट प्रोडक्ट लेकर आएगा। तो भैया रेस्पिरेशन सर्कुलेशन एक्सक्रीशन न्यूट्रिशन सब कुछ कनाल सिस्टम से ही होता है, इज दैट क्लियर? इनके अलावा इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, इनके पास और कुछ नहीं होता। इन्होंने जो ऑक्सीजन लेना है, इन्होंने जो सर्कुलेशन करना है, जो खाना खाना है, जो वेस्ट मटेरियल निकालना है, ये सब का सब विल ओनली हैपन थ्रू द कनाल सिस्टम। इज दैट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स? एनीथिंग यू लाइक टू आस्क मी? नथिंग एट ऑल? लेट्स मूव फॉरवर्ड देन, राइट? तो यार ये देखो, ये आपके ये लगे हुए स्पॉन्ज की वॉल, अंदर की वॉल में ये क्या लगे हुए हैं आपके? कॉलर सेल्स लगे। कॉलर सेल्स में हमेशा क्या होता है, देखो फ्लैजिला होता है, सेंट्रल कैविटी है। सेंट्रल कैविटी का एक और नाम क्या बताया मैंने अभी आपको? सेंट्रल कैविटी का नाम बताया प्राप्ति नवांश गरिमा वंशता स्पॉन्जोसीन, भूलिएगा मत। अब ये नीचे वॉल जो लगी हुई है आपको, इसमें स्पिक्यूल नजर आ रहे हैं स्केलेटन की तरह? जो नीचे वॉल है, जो कॉलर सेल के नीचे वॉल है, हमें उसमें स्पिक्यूल नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं या तो वो स्पिक्यूल कैल्शियम का होगा या वो स्पिक्यूल सिलिका का होगा। तो या तो वो सिलिकस यू नो स्पॉन्ज होगा या कैल्केरियस स्पॉन्ज होगा। चलिए लेट अस नाउ लुक एट दैट। अब एक लास्ट चीज यहां देखो, जस्ट इन केस दे वॉन्ट टू मेक अ डिफिकल्ट पेपर फॉर यू, जस्ट इन केस आपका खून चूसने पर एनटीए उतावला हो जाता है और कहता है कि भैया इस साल तो बच्चों का खून चूसेंगे, इजी पेपर नहीं बनाएंगे, इनका खून चूस के इनको बायो में ही परेशान करेंगे। तो बायो में परेशान करने वाला क्वेश्चन बताती हूँ, इधर आ जाओ, राइट? ऐसे में भी आपको ना कुछ कुछ चीजें अक्टूबर ऑनवर्ड्स करवाऊंगी जिनको हम कहेंगे यार ये खून चूसे क्वेश्चन है, रेगुलरली नहीं आएंगे, पर अगर एनटीए ने ठान लिया कि फिजिक्स इजी बनाएंगे, केमिस्ट्री इजी बनाएंगे, बायो में इनका खून चूस के ही रहेंगे, तो आपने अपना खून नहीं चूसवाना, राइट? एनटीए मच्छर है, आपने उसका बैंड बजाना है, आपने अपना खून नहीं चूसवाना, right? तो आपको ये तो दिख गया फ्लैजिला वाला। अब आपको इस कॉलर सेल के नीचे का रेड कलर से, चलो कॉलर सेल बना दिया मैंने, दिख गया ये मेरा कॉलर सेल है और ये इसका फ्लैजिला, दिख गया सबको? ये मेरा कॉलर सेल, एवरीबॉडी कैन सी द कॉलर सेल, कम ऑन एवरीवन, राइट? यो वाणी मैम, वी कैन सी द कॉलर सेल, कैन यू ऑल सी द कॉलर सेल, करेक्ट? अब इसके नीचे आपको यहां पे एक और सेल दिख रहा है, दिख गया ब्लू कलर का, दैट इज द अमीबोसाइट। जो खाना कॉलर सेल खाएगा, कॉलर सेल का काम है पकड़ के लाना, सॉरी टू यूज दिस एग्जाम्पल, इट माइट बी सेक्सिस्ट बट इट्स नॉट सेक्सिस्ट फ्रॉम माई साइड। सो मान लीजिए, इमेजिन समबडीज हाउस, पापा गोज आउट टू द मार्केट, सो इफ पापा गोज टू द मार्केट, पापा इज गोना गेट सब्जी, मम्मा इज स्टेइंग एट होम एंड मम्मा इज अ वेरी गुड कुक। So when papa goes and gets the sabji, mama comes back home. I mean like mama's at home. So when papa comes back home, he gives the sabji to mama and says, mama, aaj ye sabji banao. Now let's roll reverse because we don't want it to be sexist at all. Mama's gone out. Papa's a good cook. Like my dad's a fabulous cook. There are things that my dad cooks even better than my mom. Like a biryani and all. So I don't want my mother to cook biryani. She doesn't make it half as good as my daddy does. Right? So imagine mama goes out. And mama gets sabzi. And now papa's at home and papa's cooking. So the one who goes to the market and gets sabzi is a kwanosite. Sabzi lana kiska kaam hai? Kwanosite. It's the one who traps the food. Banana kiska kaam hai? Amoebocyte. Khana banana, usko digest karke energy lena. Amoebocyte ka kaam hai. Is that clear? If they want to make paper tough, they might ask you the difference between these two. Quanocyte का काम सिर्फ trap करना है, उसमें से energy निकालना किसका काम है? Amoebocyte. On that note, जिन जिनके पापा अच्छा खाना बनाते हैं, one like on the screen please. Yeah, one heart on the screen please. Yes, clear? अगला सवाल. Can you see this? ये दिख रहा है बड़ा सा आपको? कोई doubt तो नहीं है? तो इसीलिए देखो आप हमेशा collar cell के नीचे amoebocyte लगा होगा. उसके पीछे ही अमीबोसाइट होगा जो डाइजेस्ट करेगा, वेस्ट मटेरियल को अलग करेगा, न्यूट्रिएंट को अलग करेगा। ऑस्टिया से पानी अंदर जाएगा, कनाल सिस्टम है। जिनके नहीं बनाते वो क्या करेंगे? वो आज अपने पापा को फोर्स करेंगे खाना बनाने के लिए। लाइक माय डैड मेक्स वेरी गुड दाल, ही मेक वेरी गुड सब्जी, ही मेक एवरीथिंग वेरी नाइस।
he make very nice biryani and all that. He'll make like exceptionally good. How many of you have fathers who cook very well? Raise your hands. Omelette and all, I don't eat, I'm a vegetarian. They make very nice ones. To Bukhara, tell them to make food. Yes? So my dad was born in a village in Himachal. He used to help my grandmom a lot. He was the youngest of all the siblings and he was very close to my grandmom. Like my daddy. My daddy used to really love my daddy and my daddy used to really love my daddy. You know, Chota, he was the youngest in the family, so he used to really help my daddy in the kitchen. That's how he learned. What a waste, yeah. Tell them to make. Yes? Chale? Can we move forward, every single one? What is Jebril? I have no idea what you're trying to say, Ashfi. Chale. So now can you see? Khana ye la rahi. Dekho, khana isse contractile vacuoles iske paas ja rahe. Can you see this? This is a very important point jo maine aapko bataya hai. करेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो यार ये जो आपके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ऐसा वो स्पेशल नहीं होता, पानी से ही सब कुछ ले लेते हैं. समझ आ गया? ओ बना लेती है. राइट, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ये वर्ड आ सकता है एमसीक्यू में. सेल के अंदर होता है तो कॉर्नो साइड से खाना चला जाता है अमीबो साइड में, वहां पर डाइजेस्ट. ठीक है, तो फूड सब जगह कौन फैलाता है? अमीबोसाइट सब जगह बांटता फिरता है. तो कॉनोसाइट फूड को ट्रैप करता है, फूड को ट्रैप करके देता है अमीबोसाइट, उसको डाइजेस्ट करता है और अमीबोसाइट में सूडोपोडिया होंगे, वो वॉन्डर करता है, इधर से उधर जाता है, उधर से इधर जाता है, हर जगह खाने को डिस्ट्रीब्यूट करता है. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट्स दैट यू वांट मी टू टेल यू? चले गाइस, एनिमल किंगडम मुझे, आई एम तमिल इवन दो आई कैन अंडरस्टैंड योर क्लास, दैट्स वेरी नाइस कोमल, आई एम सो ग्लैड. गाइस आई विल टेक एटलीस्ट 10 डेज टू डू एनिमल किंगडम, 8 टू 10 डेज मिनिमम. So that I can do it in a lot of depth like I'm doing now. There's no point because iske baad main dobara nahi karaungi. Agli baar main sirf one shot karaungi. Yes? Is it clear? Yes, in excretion also. So respiratory system is exchange of gases, diffusion ke through hota hai. Excretion occurs ammonia, inka waste hai because aquatic hai, to ammonia hota hai. Ammonia paani ke through bahar nikal jata hai. Alright? Ye MCQ mein aa sakta hai. This can be an MCQ question. Ammonia. Alright? इसके बाद एनसीईआरटी वाले सेशंस होंगे, वन शॉट सेशंस होंगे, तो इसलिए अभी ही इसको इंपॉर्टेंट. अब दिस इज इंपॉर्टेंट, स्केलेटल सिस्टम होता है पॉलीफेरा में. इनका स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है? इनके पास एक इंटरनल स्केलेटन होता है, या तो कैल्शियम का बना होगा या सनातनी. या तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं एक भी दिन की छुट्टी ले लूं, मैं रेस्ट कर लूं, मैं अपने गले को थोड़ा रेस्ट दे दूं, मैं अपने बालों में तेल लगा लूं, है ना. मैं रोज आधा टाइम बाल नहीं धो पाती क्योंकि मेरे पास बाल में तेल लगाने का टाइम नहीं होता, है ना. तुम नहीं चाहते कि एक दिन मैं चंपी करके थोड़ा धूप सेक लूं. कितने मतलब गंदा वर्ड नहीं यूज करना चाह रहे, इतने गंदे बच्चे हैं मेरे. यस, तुम नहीं चाहते कि मैं एक दिन मतलब थोड़ा धूप सेक लूं, थोड़ा चंपी कर लूं, थोड़ा आराम से उठ जाऊं. यस, चलिए. सो मेनी द स्केलेटल सिस्टम, अगर कैल्शियम है तो कैल्केरियस है, अगर सिलिका है तो सिलिकस है, कई बार बहुत छोटे स्पॉन्जिन फाइबर्स भी इसके पास होते हैं. आय हाय, सनातनी करवा देते हो, प्रॉमिस. तो बस मुझे मैसेज कर दे, मैंने तुझे मैसेज किया भी था थोड़े दिन पहले टेलीग्राम पर, तूने देख के जवाब भी नहीं दिया है. सो या तो कैल्शियम होगा या सिलिका होगा या स्पॉन्जिन के फाइबर्स होंगे. इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है. Is it clear? Reproduction asexual, sexual दोनों होता है. Asexual reproduction जो sponges हैं bud बनाएंगे, मतलब एक बड़ी sponge है, छोटू sponge निकलेगा एक साइड में, दूसरी तरफ छोटू sponge निकलेगा, right? So it occurs by asexual reproduction by budding. अगर देखो, अगर बाहर unfavorable condition हुई ना, तो जो bud भी बनाएगा वो अंदर की तरफ बनाएगा, बाहर नहीं बनाएगा.
So gemmules are the internal buds which take place, right? जो male है वो एक sperm से male gamete निकलकर female के पास जाता है. They also do sexual reproduction, right? So they also do sexual reproduction where fertilization is internal. एक sperm से निकलकर the gamete goes to the other sperm. Development is indirect. That means there is. What is indirect? You tell me. Don't worry, मैं सारा NCERT से पूरा सिलेबस दोबारा कराऊंगी. Indirect development. What is indirect development? When there is a larval stage. When there is, so development is indirect, that means they do have a direct development means no larva. Indirect development means there is a larva. Is that clear? Indirect ka matlab hota hai there is a larva. Yes, sorry. Manit keh rahi, that's okay. Kahan gaye bhai tumhare chats? Yahan. Right? Highest degree of regenerating capacity. तो buds बनाता है, internal, external दोनों buds बना सकता है, larva form करता है, fertilization internal भी हो सकता है, और fertilization internal होने की वजह से sexual reproduction हो सकता है. Is that clear everybody? पर fertilization internal होता है. Frogs कैसे external fertilization करते हैं, यहाँ पर fertilization internal होता है. Is that clear everyone? Any doubts? No doubts? चले आगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो वी हैव कैल्केरिया जिनके पास कैल्शियम होता है. कैल्केरिया के एग्जांपल्स इस स्लाइड को प्लीज रट्टा मार लो. कैल्केरिया के आपके एग्जांपल्स होंगे स्काइफा जिसको साइकॉन कहते हैं, ल्यूकोसोलेनिया, डेस्मोस्पॉन्जिया, स्पॉन्जियम फाइबर वालों का एग्जाम्पल होगा स्पॉन्जिया और ल्यूस्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला एंड हाइलोनिमा. यूप्लेक्टेला के बारे में मुझे कौन एमसीक्यू क्वेश्चन प्रिडिक्ट करके बताएगा? यूप्लेक्टेला जापानीज इसको शादी में गिफ्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? ग्लास स्पॉन्ज, इसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं. तो आप सोचो शादी में कितना एक्सटिंक्ट हुआ होगा ये, राइट? वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं. फ्लावर बास्केट की तरह होता है, इट्स कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट द जापानीज. इट्स लाइक ग्लास स्पॉन्ज, क्लियर ग्लास स्पॉन्ज, राइट? इसको यूप्लेक्टेला, इट्स कॉल्ड द जापानीज फ्लावर बास्केट. Venus flower basket, it is given as a marriage gift in Japan. Is that clear everyone? I will ask him to make, but I can't force Sanjay sir. Like I'm taking three classes, so I can't force anybody, but I will definitely tell him. Now I have a mnemonic for you. Tiring tiring. Psychon, सोनू की इनू की स्वीटी. साइकॉन यूस्पॉन्जिया जिसका नाम है बाथ स्पॉन्ज, एमसीक्यू क्वेश्चन 10 बार आया हुआ है. साइकॉन जिसका नाम है स्काइफा, 4 बार आया हुआ. फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जिसका नाम है स्पॉन्जिला, ये 3 एमसीक्यू में आया है. साइकॉन यूस्पॉन्जिया स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यूस्पॉन्जिया आपका बाथ स्पॉन्ज है, साइकॉन आपका स्काइफा है. साइकॉन यूस्पॉन्जिया स्पॉन्जिला. एनी डाउट्स? एड्स कहां से आ गई बेटू जीज? अभी यूट्यूब वालों को कौन समझाए? डन. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो इसी नाम पे. चलिए, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कंटिन्यू. वी कैन डू फ्रॉम टुमारोज क्लास 2 फाइलम्स. यस सिलेंट्रेटा, अभी 6:54 हो गए, 7:15 को हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन करते हैं उनके साइज में. कल से मैं 2-2 कर रहा हूं, आज भी हमने 2 किए तो कल लगभग 3 कोशिश करें. कल कोई ऑफ नहीं, कल टेस्ट है 10 बजे सुबह. नारायण को ना आए ना डंडे पड़ेंगे. यस चलो फिर. ओके गाइस, कल के टेस्ट का सिलेबस पता है? रुक जाओ, कहां चले? डंडे खाने देना. रुको, पूरे नालायक हो चुके हो. एक सेकंड रुको, कल 10 बजे टेस्ट. तुम ना आए ना मैं तुम्हारे डंडे मार दूंगी. डंडे राइट? टॉप 30 क्वेश्चंस फुल एफएमसी के पीवाईक्यूज करवा रही हूं, राइट? आपके प्लांट फिजियोलॉजी एंड फुल रिप्रोडक्शन.
इज दैट क्लियर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, पूरा 3 टेस्ट है, कल ना आए तो देख लेना, हमारे इतने जोर से डंडे पड़ेंगे। अरे यार कोमल, आज ना मेरी लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, इज दैट क्लियर? तो इसलिए मैं ले नहीं पाई। और कोई डाउट्स? तो कल ये तीनों टेस्ट एक भी मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एएफएमसी के क्वेश्चंस एक बार देखकर करना, कैसे अजीब टाइप के क्वेश्चंस कई बार एएफएमसी में आते हैं। तो कल फुल एएफएमसी क्वेश्चंस करवाऊंगी, टॉप 30 क्वेश्चंस, फिर देखिए फुल प्लांट फिजियोलॉजी, 11th का टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा और शाम को 12th का। यस, अरे यार सूफिया तो बांध ले, ये टेस्ट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, चलो फिर। नहीं यार यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो कोई ट्रांसफार्मर जल गया था, यहाँ तो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? चलिए, ऑल राइट, बाय गाइस, सी यू एट 7:15, ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन, बाय गाइस, बाय गाइस।